हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मधुस किचन। आज मैं आप सबके साथ एक बंगाली डिश शेयर करूंगी। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आज मैं आप सबके साथ बंगाली कड़ाई शुटीर कचुरी रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले मिले। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो देखिए, पूरी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है। उसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और साथ ही मैं उसमें 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड कर दूँगी। इससे क्या होता है, पूरी जो है बहुत ही सॉफ्ट और खस्ता बनती है। अब हम इसे अच्छी तरह से मैदा के साथ मिला लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी मात्रा में मैदा में पानी ऐड करेंगे और इसका एक डो तैयार करेंगे। रेगुलर जैसे रोटी या पराठा के लिए डो तैयार करते हैं, वैसा ही डो तैयार करना है हमें। लेकिन हमें इस डो को थोड़ा सा हार्ड रखना है, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी ऐड करें और एक डो तैयार करें। तो देखिए, मैदा मैंने गूंद लिया। अब मैं इसे कवर करके 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। अब मैंने यहाँ पे एक मिक्सी का जार लिया है, उसमें सारे मटर को मैं ऐड कर दूंगी और इसका एक फाइन पेस्ट तैयार करना है हमें। तो देखिए, मैंने कढ़ाई को गैस पे गर्म होने के लिए चढ़ा दिया। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड करूंगी और तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। तेल के गर्म होते ही मैं इसमें 1 चम्मच कलौंजी ऐड कर दूंगी और इसे थोड़ी देर तक मैं चटकने दूंगी। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून ग्रेटेड जिंजर ऐड करूंगी और जिंजर को भी हमें थोड़ी देर तक भूनना है, जब तक कि इसका जो कलर है लाइट ब्राउन ना हो जाए। तो लगातार चलाते हुए इसे थोड़ी देर तक भून लें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जो अदरक है अच्छी तरह से भुन गई है। तो अब हम इसमें जो मटर का पेस्ट बना के रखा था उसे ऐड कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए इन सारी चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मिला के भून लेंगे हम। तो लगातार चलाते हुए गैस की आंच को लो मीडियम रखिएगा और इसे अच्छी तरह से भुनना है। मटर को हमें तब तक भुनना है जब तक इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म ना हो जाए। तो लगातार चलाते हुए धीमी आँच पे या लो मीडियम फ्लेम पे इसे भुने। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से चला के जो मटर का पेस्ट है उसके साथ हमें मिला लेना है। तो लगातार चलाते हुए भूनिए। और इसमें अब हम स्वाद अनुसार शक्कर ऐड करेंगे या फिर आधे छोटे चम्मच शक्कर ऐड करना है हमें। इसे भी अच्छी तरह से चला के मिला लेना है। तो देखिए, स्टफिंग जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर ऐड करूँगी। तो यहाँ मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर का यूज़ किया है और इसे भी अब हम अच्छी तरह से मिला लेंगे अपने स्टफिंग के साथ। और अब हमें इसे ज़्यादा नहीं भुनना है, बस 2 से 3 सेकंड तक ही इसे भुनना है। तो लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से इसे मिला लें। तो देखिए, हमारा जो स्टफिंग है वो रेडी हो गया है। अब हम इसे अलग कटोरी में निकाल के रख देंगे और इधर हम मैदा से बराबर आकार में गोला तैयार कर लेंगे। तो एक ही साइज़ के सारे गोले हमें तैयार कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, एक गोला लेंगे और इसे दबाते हुए कटोरी की तरह एक शेप देना है हमें। और इसमें 1 टेबलस्पून हम अब जो हमारा स्टफिंग है उसे ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से हमें किनारों से उठाते हुए इसका जो मुंह है उसे हमें बंद कर देना है। तो स्टफिंग को अंदर की तरफ प्रेस करें और मैदा को चारों तरफ से उठाते हुए एक जगह पे लाके ऐसे हमें मिला देना है और इसका जो मुंह है उसे हमें बंद कर देना है। इसी तरह से हमें सारे गोली को रेडी कर लेना है। तो देखिए, हमारा जो एक गोला है वो रेडी हो गया है। तो चलिए, मैं अब आप सबको एक और बना के दिखाती हूँ। तो सेम प्रोसेस में इसे भी हमें तैयार करना है। तो इसे ऐसे कटोरी की तरह शेप दें और इसमें जो स्टफिंग है उसे ऐड करें और किनारों से उठाते हुए इसको भी हम इसका जो मुंह है इसे बंद कर देना है। इसी तरह से सारे गोला को हमें रेडी कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, जो गोला हमने तैयार करके रखा है उसे सूखे मैदे में लपेट लेना है और बेलन की सहायता से जैसा हम पूरी तैयार करते हैं उसे हल्का हाथों से इसे बेलना है और पूरी की तरह शेप देना है। तो देखिए, हमारी एक पूरी रेडी हो गई है। बाकियों को भी मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। सारी पूरी हमारी रेडी है। अब हम क्या करेंगे, मैंने पहले से ही तेल को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। अब हम इसमें एक एक करके पूरी को ऐड करेंगे और ऐसे दबाते हुए इसे फुला लेना है। तो दबाते हुए इसे फुला ले। तो देखिए, पूरी जब हमारी एक तरफ से भुन जाएगी
तब हम क्या करेंगे, इसे पलट देंगे। तो थोड़ी देर वेट करें, तो देखिए पूरी जो हमारी एक तरफ से भुन गई है, अब हम इसे पलट देंगे। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरह से सारी पूरियों को हमें तल के निकाल लेना है। सेम प्रोसेस में मैं बाकी सारे पूरी को भी तल के ऐसे ही निकाल लूंगी। तो देखिए ऐसे थोड़ा देर तक प्रेस करें, और उसके बाद जब एक तरफ से पूरी सिक जाए तो इसे पलट दे। तो देखिए हमारी सारी कड़ाई छोटी की कचौड़ी तैयार है। मैंने इसे सर्व कर दिया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपने कमेंट मेरे साथ शेयर करें। और अगर मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।